नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। अभ्युदय फाउंडेशन की तरफ से आज यहां पे एक मेडिकल हेल्थ आयोजन रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहां पे विशेष रूप से यहां पे आँखों पे ध्यान दिया गया है। आँखों में होने वाली जो अनेक प्रकार की जो संपूर्ण दृष्टि की जो परीक्षण है वो यहाँ पर करने वाले हैं, चाहे जो मोतियाबिंद का हो, चाहे जो आँखों के अंदर एक रिफ्रैक्टिव एरर की जो पड़ताल और एक सलाह होता है उसके तहत से यहाँ पे हॉस्पिटल की एक टीम आई हुई है, वो यहाँ पे फ्री में उनका चेकअप कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टीम ये आई है, या अगर आँखों में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है, अगर ऑपरेशन करना पड़ा, तो इनके थ्रू उस हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पे उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए बात करते हैं अभ्युदय फाउंडेशन के संस्थापक से, उन्होंने शुरुआत कब की, कैसे की और इनका उद्देश्य क्या है। पिछले 2-3 साल पहले हमने शुरुआत की थी, दो आदमी से हम दोनों ने मिलकर शुरुआत की थी। आज 200 से 250 लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कोविड से लेके अब तक हम निरंतर कार्य करते हैं। यानी अभी आपने 2 साल पहले चालू किया था? 2 साल पहले ही हमने चालू किया थे। कोविड में हमने देखा कि पब्लिक बहुत तरीके से परेशान थी, तो बस उसको सेवा करने के लिए खाना हो गया, दवाई हो गया, इंजेक्शन हो गया, बेड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एम्बुलेंस हो गया, जगह जगह तक हम पहुंचाते थे। यानी कोरोना में जो प्रॉब्लम हो रही थी उन समस्याओं को देखते हुए उसने आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें ये एक संस्था चालू करनी चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए? बस लोगों की तकलीफ देख के हमारे मन में एक ऐसा आ गया कि हमको भी कुछ करना चाहिए समाज के प्रति, हम भी समाज से बात करें। कोरोना के बाद से निरंतर हम लोग कार्य कर रहे, जैसे अभी ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया था, फिर उसके बाद हम लोग ने कपड़ा बांटने का भी काम किया था, फिर एक अनाथालय भी है वहाँ पे भी हमने डोनेशन का काम किया था। ऐसा हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं। कोरोना में ना कोई इलेक्शन था, तब ना कोई ये था कि कोई नेता बनने वाला है या अभिनेता बनने वाला है, क्या आम क्या खास, हर आदमी अपने अपने तरीके से परेशान था। उस समय हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चला था और अभी भी हमारे दिमाग में कोई भी इस तरीके का नहीं चल रहा है कि हमको इलेक्शन लड़ना है कि नहीं। ये हम 3 साल पहले किए, बस हमारे अंदर से एक जागृत हुआ कि हमको सेवा करनी चाहिए, कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए, तो हम समाज के लिए कर रहे हैं। और आज यहाँ पे कितने लोग आए अपना जांच कराने के लिए? आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ पे लगा हुआ है लाइन, और 150 से 200 पब्लिक अभी तक जो है काम अपना आंखों का चेकअप करा चुकी है, जिसको अब यहाँ से वो हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे उनको भारी मात्रा में डिस्काउंट हॉस्पिटल देगी, जिसका हमारा फाउंडेशन के साथ टाई अप हुआ, उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा हॉस्पिटल द्वारा। जैसे कि आपने देखा कि अभ्युदय फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, उन्होंने कोरोना काल में जब देखा लोग काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, वो बाहर नहीं निकल सकते थे, चाहे ऑक्सीजन की तकलीफ़ हो, चाहे मेडिसिन की तकलीफ़ हो, तो उन तक उन समस्याओं को जब उन्होंने देखा तो उन तक इन सारी चीज़ों को मुहैया कराएं, ताकि उन लोगों को जो समस्या है उसे उन्हें निजात मिल सके। और उसके बाद से इन्होंने किसे बात कही कि 2 लोगों से शुरुआत किया था, आज इनके अभ्युदय फाउंडेशन में 200 मेंबर जुड़ चुके हैं। तो ये बात करते हैं वनिता झा से, जो भी सेविका के रूप में ये अपने आप को सामने रिप्रेजेंट करती हैं और लोगों की सेवा करती है, उनका क्या कहना है और वो फाउंडेशन के जरिए कैसे जुड़ी वो। वनिता मैडम, क्या कहना चाहेंगे, इस अभ्युदय फाउंडेशन से आप कैसे जुड़ी, कब से जुड़ी और उद्देश्य क्या था इस फाउंडेशन से जुड़ने का? अभ्युदय फाउंडेशन में जुड़ने का कारण यह था, जो कोरोना काल में बहुत कॉल आ रही थी, ऐसे मैं पहले से ही सेवा करती हूँ, लेकिन उतना सेवा नहीं कर पाती थी जितना मैं कोरोना टाइम से चालू की, क्योंकि इतना त्राय त्राय मचा हुआ था चारों साइड, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रही थी, और बूढ़े बूढ़े लोग थे सोसाइटी के अंदर, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिनके पास दवाई नहीं थी, खाना नहीं था, और साइड साइड में जहाँ खाड़ी सब के अंदर अंदर लोग खाना पहुँचाने नहीं पहुँच रहे थे, उस टाइम में मैंने सेवा चालू की। हम 2 जन मिलके, राम अवतार राय हमारे भाई हैं, हम 2 जन मिलके ना ये डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए समाज के लिए। उस टाइम में लोग घरों से नहीं निकलते थे, हम दोनों जन दो दो मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, और हमने जान का बाजी लगा के 2 महीना तक हमने 200-250 पैकेट खाना डेली बांटे हैं, वो अंदर अंदर जाके बांटे हैं, अनाज का वितरण किया है, डोज बूस्टर डोज का वितरण किया है, हमने बहुत सारे काम किए, हमें बहुत संतुष्टि मिली, और हमने ये सोच के किए जो कुछ हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन लोगों का जो इतना तकलीफ थी वो हमें झेला नहीं जाता था, सुना नहीं जाता था, तो हमने छोटा सा प्रयास किया। अब ये प्रयास होते होते ये सेवा में बदल गई है, 2 जन से जो स्टार्ट हुआ वो 200 लोगों में परिवर्तित हो चुका है, हमारे साथ कारवा जुड़ते चले गए, और अब ये आगे बढ़ चुका है सेवा, और ये सेवा निरंतर जारी रहेगी।
क्योंकि हमें बहुत खुशी मिलती है सेवा करके। जब हम किसी ज़रूरतमंद का और वो उनका कुछ भी छोटा सा भी सेवा कर पाती हूँ तो हमें खुशी मिलती है। जैसे कि आज आपने आँखों का चेकअप रखा है, तो इसके आगे आप क्या रखने वाले हैं या क्या करने वाले हैं? हम मेडिकल कैंप रखने वाले हैं। हमने सोचे हैं जो हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत सारे बुजुर्गों को होते हैं, तो उसलिए हमने बुजुर्ग लोगों के लिए सोचा है, जो घुटने का और आर्थोपेडिक सर्जन के बुलाऊं और उनका फ्री चेकअप हो, इसके आगे रखने वाले हैं हम। आप कुछ ना कुछ रखना सेवा के लिए, कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं। बात करते हैं जो आँख का जो चेकअप करने के लिए जो एक डॉक्टर यहाँ पे जो उनकी स्पेशल टीम आई है, इन्हीं से बात करते हैं कि ये क्या क्या जो भी अभ्युदय फाउंडेशन की तरफ से वहाँ पे जाएंगे, अगर ऑपरेशन की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें ये क्या छूट देने वाले हैं या कहें कि उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ जो जाएंगे? सर, जैसे अभ्युदय फाउंडेशन की ओर से यहाँ पे मुफ्त नेत्र तपासणी का मतलब जाँच किया था, जैसे यहाँ की ओर से जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास इनफिगो आई केयर चेकअप करवाने के लिए, तो उनको सर्जरी के ऊपर जैसे कैटरेक्ट सर्जरी जैसे होती है मोतियाबिंद जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए आपको 10-30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे अगर डायग्नोस्टिक वगैरह करवाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर के कहने पर कुछ भी टेस्ट होती है, तो उसके भी आपको 10-30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सर हमारी ओर से। और आपका ये हॉस्पिटल है कहाँ पे और कब से है? सर, ये हॉस्पिटल है जो वो भाईंदर वेस्ट में है, मैक्सिस मॉल के सामने ही है, जानकी हेरिटेज उसका एड्रेस है, तो वो लास्ट 3 ईयर से हम लोग वहाँ पे हैं। बिल्कुल सर। क्या है सर, डॉक्टर्स जो हमारे एक ही प्लेटफॉर्म सारे डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल है, जैसे कोई भी आँखों के लिए कोई भी जांच होती है, जैसे मोतियाबिंद है, काँच बिंदु है, या फिर आँखों से पानी आना है, आँखों में दर्द होना है, तो सारे के सारे जो भी चीज़ें होती है, जो भी तकलीफ होती है आँखों रिलेटेड, वो एक ही प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे। और डॉक्टर्स भी हमारे बेस्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पास है, डॉक्टर रेटिना के लिए डॉक्टर प्रसाद कामत सर हैं, कैटरेक्ट के लिए डॉक्टर वरुण गुप्ता हैं, काँच बिंदु के लिए भी डॉक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी सर। और जैसे कि आपने देखा कि जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, उनका ऐसा कहना है कि यहाँ से जो भी व्यक्ति अभ्युदय फाउंडेशन का एक लेटर लेके जाता है तो उन्हें 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। उन्होंने एक अच्छी बात बताई है कि इनके हॉस्पिटल में आँख का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हर एक डॉक्टर वहाँ पे अच्छी अच्छी आधुनिक तरह से जो मशीनरी जो होती है वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। मानना है कि कोरोना काल में जब एक दुनिया रुक सी गई थी, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, सब्जी हो चाहे राशन हो, उस समय ऐसे कई परिवार थे जो गरीबी या यूं कहें जो पट्टी एरिए में काफ़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा, तो ऐसे समय में इन्होंने खुद डोर टू डोर, यानी कि आप समझ सकते हो कि उनके घर तक जाके इन्होंने चाहे खाने की वस्तु यानी कि राशन हो उन्होंने पहुंचाया यहाँ पे तक, कि इन्होंने ऑक्सीजन का समस्या हो चाहे मेडिकल की समस्या हो, उन्होंने लोगों को इस समस्याओं से उन्हें निजात दिलाई। और उनका ऐसा कहना है कि आगे आते हुए समय में भी हम ऐसे ही लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते जाएंगे। और आगे ये एक वृद्धों के लिए एक हड्डी का कैंप, जो हड्डी चेकअप का कैंप होता है, वो रखने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं एक अवस्था ऐसी आती है कि हड्डियों में प्रॉब्लम होता है, चाहे घुटनों में प्रॉब्लम होता है, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसी चीज़ों को देख के ये एक जल्द से ही जल्द एक कैंप लगाने वाली हैं, जहाँ पे इनका ऐसा कहना है कि मैं काफ़ी लोगों को इस चीज़ की जानकारी दूंगी और लोग यहाँ पे आएँ अपना चेकअप कराएँ। तो मेरा भी ऐसा कहना है, ऐसे लोगों की समाज में काफ़ी ज़रूरत है, जो कि लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, उनके लिए सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बॉर्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।